मुंबई बँक प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांच्या अडचणी वाढल्यात. दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळलाय. मात्र हायकोर्टात अपील करण्यासाठी 2 आठवडे अटकेपासून दिलासा मिळावा यासाठी दरेकरांच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयाकडे विनंती केली होती, त्यामुळे त्यांना मंगळवारपर्यंत अटकेपासून दिलासा देण्यात आलाय. दरेकरांचे वकील बोलतात, पाहूया. पार्ट जज ने बताया की जो हमने 25,750 रुपये एज अ रेम्युनरेशन लिया हुआ था वो उनको लगता है कि सबसे बड़ा अपराध हो गया, इसलिए भी हमारा रिजेक्ट किया है. सर यहाँ देखिए, सर उस रिनोवेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कब किस दरमियान का और किसकी तरफ से वो पैसे आपको आए थे? सर नवंबर और दिसंबर महीने में 2017 में आई हैड वर्कड एज अ लेबर एंड आई हैड रिसीव्ड रेम्युनरेशन 25,700 रुपये हमको रेम्युनरेशन मिले हुए थे. जज को की नज़र में वो पॉइंट उनको वैलिड लगा, जिससे उनको ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है और इसलिए एबी उन्होंने रिजेक्ट किया है. सर आपने 2 हफ्ते के लिए समय मांगा था हाईकोर्ट में अपील करने के लिए, लेकिन आपको प्रोटेक्शन सिर्फ मंगलवार तक के लिए दिया गया, यानी कि 2 वर्किंग डेज का ही प्रोटेक्शन दिया गया. इस बार में कोर्ट ने क्या कहा, क्यों 2 हफ्ते नहीं दिया जा सकते? ये बेसिकली शनिवार संडे 2 दिन हॉलीडे है हाईकोर्ट में, तो हम अगर मंडे को याचिका डालेंगे तो मंगलवार को सुनवाई के लिए आएगी, तो हमारे लिए 2 दिन काफ़ी है. उस हिसाब से उन्होंने 3 वर्किंग डे हमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है. तरीकरांचा अटकपूर्व जामीन